इसको देखकर पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड काफी हद तक चिंतित है। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ टसल हो सकती है बिटवीन ईरान एंड यूएसए। अब पहले तो ये जान लो कि ये फ्लीट क्या है। यूएसए की सारी दुनिया में आप अगर देखोगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी फ्लीट्स डिप्लॉयड हैं। इनकी बहुत सारी फ्लीट हैं, सेकेंड फ्लीट, सिक्स फ्लीट, थर्ड फ्लीट, सेवन फ्लीट। सेवन फ्लीट के बारे में आपने सुना भी होगा, जब 1971 वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उस वक्त यूएसए ने ये सेवन फ्लीट ही रवाना करी थी इंडिया को अटैक करने के लिए, ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। वो ऑफ कोर्स सोवियत यूनियन ने रोक दिया था। तो यूएसए की जो फिफ्थ फ्लीट है वो बहरीन में डिप्लॉयड रहती है हमेशा, ताकि कभी भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो यूएसए उस पूरे इशू को डील कर पाए। नाउ बहरीन कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत हो गया, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया के करीब यहाँ पे आपको दिखेगा बहरीन। तो ऑलरेडी यूएसए की फिफ्थ फ्लीट यहाँ पे डिप्लॉयड थी। फ्लीट का क्या मतलब होता है? फ्लीट मतलब बहुत सारी शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। और इनकी सहायता के लिए अब बहुत ही बड़ा इनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस एब्राहम लिंकन, ये भी यहाँ पर रवाना कर दिया गया है। ये एक बहुत ही ज़रा पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि एब्राहम लिंकन का जो वेट है ये है करीब 1 लाख टन। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखें आईएनएस विक्रमादित्य को, तो उसका वेट है करीब 44,500 टन। और उस सब के अलावा एब्राहम लिंकन में आपको वेरियस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूएसए इस्तेमाल करता है, उनके सुपीरियर बॉम्बर्स, वो सब भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। अब यूएस ईरान के आसपास मिलिट्री बिल्डअप क्यों कर रहा है, ये इवेंट सामने क्यों आए, ये जानने के लिए इससे पहले के बहुत सारे इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईरान की इकोनॉमी यूएसए की वजह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेसिक चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हैं, और ओवरऑल वहाँ का आम आदमी भी सफ़र कर रहा है। ईरान में काफ़ी बार तख्ता पलट की रेवोल्यूशन की भी स्थिति आई है, कैसे ना कैसे करके उनकी गवर्नमेंट पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए ईरान ऑलरेडी FATF की ब्लैक लिस्ट में, आपने आई एम श्योर इसके बारे में अभी दसियों बार सुन लिया होगा कि पाकिस्तान को अब बात चल रही है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट नहीं, सिर्फ ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को हर साल $10 बिलियन का नुकसान होता है। ना आप इमेजिन करिए कि ग्रे लिस्ट में होने से अगर 10 बिलियन का नुकसान होता है सालाना, तो ईरान को ब्लैक लिस्ट में होने से सालाना कितना नुकसान होता होगा। ऑलरेडी आई एम श्योर मीडिया में आपने काफ़ी बार स्पेकुलेशन देखी होगी कि अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो उनकी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी। तो ईरान उसी ब्लैक लिस्ट को बहुत ही लंबे समय से झेल रहा है। उस सब के अलावा 2018 में यूएसए ने जो पहले सैंक्शंस ईरान पे लगा रखे थे, उसका जो रिलीफ दिया गया था 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील के बाद, जब वो डील से यूएसए ने पुल आउट किया तो वो सैंक्शंस भी वापस ईरान पर लग गए। उसके अलावा यूएसए ने रिसेंटली काट्सा एक्ट भी तैयार किया, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, उसमें भी नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान शामिल है, और सैंक्शंस लग गए। फिर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी अनाउंस कर दिया कि कोई भी कंट्री ईरान से ऑयल नहीं खरीदेगा, अगर खरीदता है तो जो कंपनी है या फिर जो सरकारी कंपनी है उससे रिलेटेड जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, उस पर सैंक्शंस यूएसए लगा देगा। तो इस सब की वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत ही ज़रा क्रम्बल कर रही है, बुरी हालत है वहाँ पे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में ये एग्जैक्ट शब्दों का यूज़ किया है, ईरान्स इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक। ऑन द ब्रिंक मतलब यहाँ पे कोलैप्स की बात कर रहे हैं, थैंक्स टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शंस। उसके अलावा ये भी लिखा है कि ईरान इस वक्त डीप रिसेशन में है, इन्फ्लेशन वहाँ पे रफली 40% के आसपास है। इतनी इन्फ्लेशन ईरान ने 1980 से कभी नहीं देखी, जब ईरान में नया नया इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तब से ईरान ने इतनी हाई इन्फ्लेशन नहीं देखी। तो ईरान आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉर्नर्ड है, कोई ऑप्शन ईरान के पास ज़रा बची नहीं है। उनके पास एक सोर्स था ऑयल, अब वो भी नहीं बेच पा रहे। तो ईरान ने यहाँ पर मजबूर होकर ये स्टेटमेंट दे दी थी कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज को चोक कर देंगे, अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई और तेल भी नहीं बेचेगा, ओवरऑल ऑयल का एक क्राइसिस हो जाएगा दुनिया भर में, और मजबूरी में इन सब कंट्रीज़ को फोर्स करना होगा यूएसए को कि वो ईरान पर सारे सैंक्शंस रिमूव करे। नाउ स्ट्रेट ऑफ हरमूज है कहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हरमूज। स्ट्रेट बेसिकली ये होता है एक नैरो कॉरिडोर दो बहुत ही बड़े लैंड मासेस के बीच।
तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मोज किन दो कंट्रीज़ के बीच में, ओमान और ईरान के बीच में। ओमान सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो छोटा सा एक लैंड मास है, ये यूएई को बिलोंग नहीं करता। दूर से देखने में लगेगा कि यूएई का पार्ट है, मगर ये बिलोंग करता है ओमान को। तो ओमान और ईरान के बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहाँ से ईरान, उसके अलावा कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, वेरियस ऑयल रिच कंट्रीज़ यहाँ से अपने कंटेनर भेजकर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की वेरियस कंट्रीज़ और दुनिया भर को अपना ऑयल सप्लाई करती हैं। यहाँ पे आप पूछेंगे कि सिर्फ इसी रास्ते से क्यों करती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये वाला रास्ता है ना, यहाँ पे ज़्यादा इनके बंदरगाह पोर्ट डेवलप्ड है नहीं। हालांकि उन्होंने कुछ पाइपलाइंस बनाई हैं जिससे ये अपनी ऑयल की सप्लाई डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर उसमें इतनी कैपेसिटी है नहीं। ज़्यादातर जो ये ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज से ही करते हैं। तो ईरान की नेवी ने यह धमकी दी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है इसको चोक कर देंगे, यहाँ पर सबमरीन शिप्स डिप्लॉय कर देंगे और इस पूरे एरिया को कट ऑफ कर देंगे ताकि ये कंट्रीज ऑयल की सप्लाई ना कर पाए और दुनिया भर में एक ऑयल क्राइसिस शुरू हो जाए। तो इसके बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज कहाँ पर है। स्ट्रेट ऑफ हर्मूज इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड, और दुनिया का 1/3 जो सी बॉर्न क्रूड ऑयल है वो यहीं से पास होता है। टोटल 18 मिलियन बैरल्स एक दिन इस स्ट्रेट से पास होते हैं और ये सिर्फ 21 मील का है। जितना आपको मैप पर दिख रहा था ना, ये उससे भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स भी है और शिप्स को यहाँ पे नेविगेट करके बहुत ही ध्यान से बाहर निकलना होता है। नाउ क्या ईरान इसको ब्लॉक कर सकता है? क्या ईरान इतना पावरफुल है? एक्चुअली हाँ है, ईरान की आप नेवी देखोगे तो इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। ईरान के बारे में एक्चुअली मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप काफ़ी अलग सरप्राइज होंगे। ये फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो है 2018 की, जहाँ पर ईरान की नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हर्मूज के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, बेसिकली मिलिट्री प्रदर्शन किया था कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। और ये मंजर ईरान क्रिएट कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ब्लॉक करने के लिए। इस तरीके से इनकी सारी सबमरीन्स इकट्ठा हो जाएंगी और इनके सारे फ्रिगेट शिप्स इस तरीके से पूरे स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं। और ईरान की ओवरऑल जो मिलिट्री पावर है वो भी ऐसा नहीं कि कुछ कम है। आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखिए, जहाँ पर कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है उनकी मिलिट्री पावर के हिसाब से, तो वहाँ पे ऑब्वियसली यूएसए नंबर 1 है, नंबर 2 पे है रशिया, नंबर 3 पे है चाइना, इंडिया नंबर 4 पे। इस रैंक में, इस पूरी लिस्ट में आपको ईरान दिखेगा रैंक 14 पर। सरप्राइजिंगली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ईरान अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स पाकिस्तान और इसराइल दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। इवन दो पाकिस्तान और इसराइल के बाद न्यूक्लियर वेपन्स है, ईरान उनको अभी डेवलप ही कर रहा है, मगर तब भी ईरान की स्ट्रांग नेवी और इनकी एयरफोर्स की वजह से इनको एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री माना जाता है। और उसके अलावा ईरान ने रिसेंटली अपनी नेवी में कुछ शिप्स भी ऐड करी हैं। ईरान रिसेंटली अनवील्ड 2 ships एन एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर, एक डिस्ट्रॉयर टाइप होता है शिप का, फार रेंज से ये अटैक कर सकता है। उसके अलावा क्रूज मिसाइल कैपेबल सबमरीन, ईरान की जो भी सबमरीन्स हैं ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, मगर ये मिसाइल को कैरी करती हैं एंड दे कैन बी क्वाइट डिस्ट्रक्टिव। उसके अलावा ईरान ने अपने कोस्टल रीजन में बहुत सारे मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखे हैं, ये मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो जो ये रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे हरमूज के आसपास का, बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास का, यहाँ पर ईरान ने एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर रखे हैं जिसको फायर करके वो यूएस शिप्स को आराम से टारगेट कर सकते हैं। और ओवरऑल इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ब्लॉक करने का, ये करने में ईरान काफ़ी हद तक सक्षम है। नाउ यूएसए क्यों चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज ब्लॉक ना हो? देखिए यहाँ पर दो कारण हैं। पहली बात तो यूएसए में 2020 के इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को डर यह है कि एक क्रिटिसिज्म उनका बहुत बड़ा ये होने वाला है कि इन्होंने बराक ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी। उस न्यूक्लियर डील के अंडर ईरान और यूएसए के रिलेशंस सुधर रहे थे। ट्रंप ने यह सोचा कि वो ईरान पर प्रेशर एग्जर्ट करके ईरान को झुका देंगे, अब तक ऐसा हो नहीं पाया। अब 2020 के इलेक्शन पास आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम उनसे ये सवाल पूछा जाए कि उन्होंने ये फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर कर दिया ईरान डील को ख़त्म करके। तो ट्रंप बेसिकली ये मिलिट्री बिल्डअप करके ईरान को यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि या तो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है
इसको बिल्कुल रोक दो, एक नई डील करो यूएसए के साथ जहां पर ईरान पर नए रिस्ट्रिक्शंस होंगे विद रिगार्ड्स टू देयर न्यूक्लियर वेपन्स, नहीं तो यूएसए यहां पर उन पर प्रेशर बनाता रहेगा थ्रू सैंक्शंस एंड मिलिट्री बिल्डअप। ईरान के पास यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर देना हो। क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करेगा? वेल टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है कि करे, एक दो दिन तक हो सकता है कि वो करे, बट ये देखना होगा। इट्स अ 50-50% चांस, हो सकता है कि ईरान ये करेगा, बट उसका रिस्पांस यूएसए की तरफ से भी आएगा, क्योंकि अगर जो ऑयल की सप्लाई है दुनिया में कम होती है तो ऑयल की कीमतें रेडिकली कुछ ही दिनों में बहुत ज़रा बढ़ जाएगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूएसए पर भी होगा और ट्रंप 2020 के इलेक्शंस में हाई ऑयल प्राइसेस नहीं चाहेंगे। तो यूएसए का यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टेक पर है, प्राइमरली मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टेक पर है, और देखना होगा कि यहाँ पर ईरान पहले झुकता है या फिर ईरान यहाँ पर अल्टीमेटली गैम्बल खेलकर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक करने की कोशिश करता है। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।